सो हे गाइस, दिस इज साइबर ऋषि बैक हियर विद द न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं मीम रिव्यू और क्यू एन ए की अनाउंसमेंट। सो जो मीम हम देखने वाले हैं वो ऑब्वियसली थोड़ा कंप्यूटर एंड साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड ही होने वाले हैं। और उसके बाद एक क्यू एन ए की अनाउंसमेंट, मतलब मैं क्यू एन ए करना चाहता था जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाए, बट अभी हो गए हैं 1.22K, जिसका मतलब होता है आई थिंक 1200 के आसपास सब्सक्राइबर मेरे हो चुके हैं। तो मैं चाहता था करना 1000 पे, बट थोड़ा वेट कर लिया ताकि थोड़े और क्वेश्चन वगैरह आ जाए या फिर और लोग हमारे साथ जुड़ जाए। तो अब लगा कि एक सही टाइम है, छोटा सा क्यू एन ए कर लेते हैं। सो यही होने वाला है आज की इस वीडियो में। कोई कुछ सिखाने वाला नहीं हूँ और कुछ बताने वाला नहीं हूँ हैकिंग से रिलेटेड। सो अगर आप में से कुछ लोग चाहें तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, मतलब जा सकते हैं बिना देखे, बट मैं तो बोलूँगा देखो क्योंकि थोड़ा मज़ा होने वाला है। क्योंकि जब से मैं वीडियो डाल रहा हूँ कोई भी मैंने ऐसी कुछ वीडियो इस चैनल के ऊपर डाली नहीं है। दूसरे चैनल पे जरूर डाला है मैंने, बट इस चैनल पे नहीं डाला। और एक क्यू एन ए करना भी जरूरी था क्योंकि तो करना, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन लोग इंस्टाग्राम पे और वीडियो के कमेंट्स में पूछते हैं। तो बस ऐसे ही चिल करेंगे थोड़ा सा आज की इस वीडियो में और आ जाते हैं। पहले मैंने कुछ ये 16-17 मीम्स है वो मैंने मेरे इंस्टाग्राम से उठाए हुए हैं। तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम और यहाँ पे मैंने हैशटैग को फॉलो कर रखा है साइबर सिक्योरिटी, तो उस पर वो मीम्स वगैरह आते रहते हैं, तो वो मैंने यहाँ से उठाए हैं। तो पहला क्या है, ये आई नेवर फेस्ड एन एरर सिंस ईयर्स। उसने बोला कि व्हाट लैंग्वेज HTML। तो कुछ ज़्यादा हंसी तो मुझे आई नहीं और मुझे सीरियसली पता भी नहीं है कि ये मीम रिव्यू होता क्या है। मैंने तो बस ऐसे ही यूट्यूब पर देखा, प्यूडीपाई करता है, बहुत सारे लोग करते हैं यार मीम रिव्यू, तो मैं भी कर देता हूँ। फिर ये क्या है, स्टडी सोशल लाइफ ओवर थिंकिंग फिर हैकिंग। उसके बाद ये मैंने, ये मीम बहुत फेमस है, हैकिंग बचाती है। तो हाँ ऐसा होता है, कभी कभी होता है, बट ज़्यादातर नहीं है क्योंकि हैकिंग के अंदर भी हमें अपना दिमाग खपाना ही पड़ता है, तो मैं तो नहीं मानता ये सब। फिर आ जाता है ये लड़की थोड़ी प्रिया प्रकाश वरियर जैसी लग रही है, अगर आपको भी लग रही हो तो बताओ। समवेयर इन पैरेलल यूनिवर्स आर यू अ हैकर, यस आई एम, डू यू वॉन्ट मी टू हैक योर FB, यस आई एम, डू यू वॉन्ट मी टू हैक योर क्रश और BF इंस्टाग्राम। अच्छा ये यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि किसी से भी बात कर लो कि हाँ तू हैकर है, तूने ये सीखा है, तू जानता है, तो यार इसका फेसबुक अकाउंट हैक कर दे यार, ये इंस्टा का ये निकाल दे वो निकाल दे, तो यार समझो ना ये सब नहीं होता हैकिंग में। काफ़ी सारी अलग चीज़ें होती हैं, वेबसाइट सिक्योरिटी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सिर्फ अकेला ये नहीं होता किसी का फेसबुक का पासवर्ड निकाल दो, इंस्टा का निकाल दो, और इतना ईजी भी नहीं होता निकालना। तो यार अगर आपकी नॉलेज में कोई भी ऐसा बंदा है जो कि थोड़ा हैकिंग की फील्ड से है और साइबर सिक्योरिटी से है, तो यार उसको ऐसे परेशान मत करो, क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जब कोई ऐसे बोलता है कि यार इसका फेसबुक का पासवर्ड निकाल दे, जीमेल का पासवर्ड निकाल दे, यार कैसे निकाल दें। तो वही है नो, बट ये थोड़ा अलग है, नो एक्चुअली आई वॉन्ट यू टू बी माई बॉयफ्रेंड। हाँ तो थोड़ा सा हम इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ते, हम मूव करते हैं। फिर क्या है, मी क्लिकिंग ऑन क्रोम डजंट ओपन, मी क्लिकिंग ऑन क्रोम 18 टाइम्स प्रोसेसर क्रोम रैम। अरे वाह, ये बहुत सही, ये बहुत सही, लिटरली ये बहुत सही है। क्रोम के साथ बड़ा बुरा आता है, आप देख सकते हैं। मैं मिनिमाइज़ करता हूँ, मैं क्रोम यूज़ नहीं करता, मैं फायरफॉक्स यूज़ करता हूँ। पहले क्रोम करता था लेकिन यार क्रोम सच में बहुत ज़्यादा रैम लेता है, फैक्ट है ये। फिर आ जाते हैं ये 5+5, ये मीम भी बहुत फेमस है वैसे, बेस्ट विंडो 7। अच्छा था, अच्छा है, अच्छा वैसे विंडो 7 काफ़ी अच्छी है, अब तक की सबसे अच्छी विंडो है वो। मूव करते हैं हर, ओह अल्कोहल वोंट अफेक्ट माय चाइल्ड, हर चाइल्ड डाउनलोड मोर रैम। ओ भाई, प्ले स्टोर से रैम डाउनलोड करी जा रही है। सो ये भी होता है बहुत, तो बहुत लोग प्ले स्टोर से रैम डाउनलोड करते हैं, एक्स्ट्रा स्टोरेज डाउनलोड करते हैं, पता नहीं क्या क्या डाउनलोड करते हैं, बिना फ्लैशलाइट वाले फ़ोन में भी टॉर्च डाउनलोड कर लेते हैं, वाह जाने दो। अब क्या है, होल वर्ल्ड इज स्केयर्ड ऑफ कोरोना वायरस, ले पबजी प्लेयर योर टीममेट किल्ड कोरोना वायरस। भी देखिए हम, ये पता नहीं कहाँ से ही आया, बट ये कुछ साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड तो है नहीं, जाने दो उसको। मार्केट रिक्वायरमेंट्स व्हाट यू लर्न इन स्कूल सेल्फ लर्निंग। तो मेरे को ये लग रहा है ये जो ये है इसमें शायद ये दोनों लग जाते हैं, और गोल वाले और ये पिन वाले। तो अगर आपको पता तो कमेंट में बताओ, क्योंकि यार मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आई थिंक पता नहीं क्या है ये। स्टॉप इट, गेट सम पाइथन प्रोग्रामर हो। ओह पाइथन प्रोग्रामर हो, ये वाला सही है। पाइथन प्रोग्रामर ऐसे इग्नोर करते हैं इस वाले साइन को, इसको पता नहीं क्या कोलन बोलते हैं, क्या कोलन तो नहीं बोलते, बट सच में अभी ध्यान में नहीं आ रहा इसे क्या बोलते हैं, बट इसे इग्नोर कर रहे हैं। योर क्रश, वाह RTX कौन सा, ये 2080। फिर है हर फादर हर ब्रदर
हर एक्स, हर क्रश, कोर आई नहीं, यू डुअल कोर, ये क्या कोर टू डियो डुओ, वाह सही है ये वाला तो। डैड व्हाई द फक यू आर क्राइंग सो डैम लाउड, लर्न जावा इन 1 मिनट, सीरियसली नो जोक, ये क्या बनाते रहते यार बंदे, 1.2K व्यूज भी है यार, मेरे भी इतने ले आओ। यू टॉरेंट आजा, ओन साइज 1 MB, हेल्प अस टू डाउनलोड GBs ऑफ डेटा, यस लिटरली ह्यूज रिस्पेक्ट, हाउ टू गेन 1 मिलियन व्यूज इन 3 डेज इन यूट्यूब, वाह। और खुद के साथ भी जो 2 साल पहले डाली, एक लाइक भी नहीं आया, मुझे तो लग रहा है ये मतलब बनाया गया एडिट करके, हो भी सकता है सच हो, बहुत वीडियोस यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी ऐसी। iOS 13 इंट्रोड्यूस स्वाइपिंग कीबोर्ड, हाँ ये मीम काफ़ी पुराना है, मैंने पहले भी देखा है आईफोन के अंदर, वो ऐसे करने वाला स्वाइप करके टाइप करने वाला, और एंड्रॉयड वाले बोल रहे हैं कि हमने पहले भी देखा है, ज़्यादा मज़ेदार नहीं जाने दो। कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, हाँ ये बढ़िया, इससे बहुत लोग रिलेट करेंगे जो कंप्यूटर साइंस और मतलब BCA वगैरह कर रहे हैं, वैसे बेसिकली मैं BCA कर रहा हूँ, अगर लोगों को नहीं पता तो मैं BCA कर रहा हूँ। सो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट Year 1 प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड हमने बहुत कराई है, उसके बाद Year 2 डेटा स्ट्रक्चर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये DBMS का मतलब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, बंदे की शक्ल, लास्ट में आई वांट टू गो होम यार लिटरली, बाद में बहुत C++ पता नहीं जावा हुआ क्या क्या घुसेड़ देते हैं उसके अंदर, मशीन लर्निंग, दिमाग फट जाता है बंदे का। माइक्रोसॉफ्ट गिव्स यू विंडो, लिनक्स गिव्स यू द होल हाउस, डीप इट डीप मीनिंग, वाह खत्म, इतने ही थे तो ख़त्म करते हैं इसको, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, छोटा रखेंगे यार, एंड थोड़ी सी Q&A की बात कर लेते हैं, Q&A भी तो हमें करना है, मीम रिव्यू तो ऐसे ही वीडियो को बस लंबा करने के लिए हमने सोचा कुछ फ़न आज करते हैं वीडियो के अंदर। तो अगर कोई भी आपके डाउट हैं तो या तो इस वीडियो के कमेंट में डाल दो, और या फिर आप ये इंस्टाग्राम मैं लिंक दे दूंगा अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से भी जाके पूछ सकते हैं, बहुत लोग करते हैं DM, 2-4 लोग ही तो करते हैं, बहुत लोग करते हैं DM और पूछते हैं डाउट वगैरह, कभी कभी तो कॉल भी कर ली, हाँ एक बंदे ने तो कॉल भी कर ली थी, बट थोड़ा सा अलग तरीके का डाउट था, बट मैंने बात करी, अच्छे से बात करी, जो भी उसके डाउट्स थे मैंने बता दिए, नंबर है मेरे पास अभी भी उसका, एंड कमेंट कर देना अगर कोई भी डाउट है तो, और कमेंट्स में भी मैं बता रहा हूँ लोग करते रहते हैं। और ये रहा चैनल, ये सारे हटना OBS, ये रहा चैनल, इसको भी सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हो, वैसे तो Q&A में कोई नया बंदा आता नहीं है। और एक और चैनल है मेरा, ये वाला ऋषभ धनगर नाम से, मेरा पूरा नाम ऋषभ धनगर है, और उसके अंदर मैं ये सब अपलोड करता हूँ, थोड़ा सा मैं बाइक एंथुजियास्टिक भी हूँ, ऑटोमोबाइल्स के अंदर काफ़ी इंटरेस्ट आता है, और ये मेरी बाइक है। सो ये वाला चैनल अगर आप जाके देखना चाहते हैं देख लेना, क्योंकि इस चैनल जो अभी जो साइबर ऋषि चैनल है उसमें मैं फेस वगैरह नहीं दिखाता, फेस कैम वीडियो नहीं बनाता, बट इस पे फेस वगैरह सब कुछ ही दिखा रखा है, तो जाके देख लेना, इसको भी सब्सक्राइब कर देना अगर करना चाहो तो। और बस यहाँ पे ख़त्म करते हैं, देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। बस यही था आज की इस वीडियो में, थोड़ा बहुत मीम रिव्यू और एक Q&A की अनाउंसमेंट, सो सेकंड वीडियो में Q&A आने वाला है, अपने डाउट्स वगैरह पूछ लेना, एंड ज़्यादा टाइम ना लेते हैं, करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म।